स्वागत है। आज हम नई डिश के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इंशाल्लाह ये डिश आपको जरूर पसंद आएगी। उम्मीद करती हूँ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मोहर्रम स्पेशल आज हम चुंगे बनाएंगे। चुंगे बनाने के लिए गेहूं का आटा, पीसी हुई शक्कर, ग्रेटेड ड्राई कोकोनट, खसखस, घी, थोड़ा सा तेल। हम आटे को सबसे पहले थोड़ा सा तेल डाल के एक चम्मच, एक चुटकी नमक डाल के गून लेंगे। आटा गून लेके आधा घंटा नरम होने के लिए रखेंगे। आटा गून लिया है, आधा घंटा हो गया है, भीग गया है, नरम हो गया है। देखिए कितना सॉफ्ट। इसके थोड़े बड़े बड़े गोल गोल धनिया बनाएंगे। तो वो रखा है हमने। फिर इसको सूखा आटा लेके इसको बेल लेंगे। बेल के इसको तेल लगाएंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर हमारा ये स्क्वायर बन गया। फिर इसको बेलेंगे। ऐसे स्क्वायर में बेलेंगे। रोटी का पेड़ा हमारा जरा ज्यादा सा बड़ा होना चाहिए, जैसा पराठे बेलते हैं। फिर इसको तवे पे डालेंगे। इसको पलटाएं। दूसरी रोटी बेलेंगे। रोटी हो गई है हमारी। फिर इसको ऐसे 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 करेंगे। गरम रोटी में ही करना चाहिए। फिर हाथ को चटका लगा दो, थोड़ा सा आटा लेके इसको ऐसे करेंगे। फिर इसके बाजू से भी ऐसे लेंगे, चारों तरफ से इसको उंगलियों की मदद से चारों तरफ से। दूसरी रोटी को भी हमने तवे पर से निकाल लिया। खसखस ली थी उसको मिक्स करेंगे। जो पीसी हुई शक्कर थी हम इस पे डालेंगे। ऐसे सारी रोटी पे फिर जो हमने खसखस और चोबा लिया था उस पे इसको गार्निश करेंगे। घी डालेंगे। फिर घी डालेंगे। दो चम्मच छोटे टीस्पून। हमारा चोंगा तैयार है। हम इसके साथ बनाएंगे चोंगों के साथ खाने के लिए हम बुट्टी बनाएंगे। ट्रेडिशनल चीजें हैं ये।
उसको बुत्ती कहते हैं। गुलत्ती वाले चावल बनाएंगे खुशका, नमक डाल के कुकर में चढ़ा के थोड़ा नरम कर लेंगे। दही लेंगे, दही को बीट कर लेंगे और लहसुन, हरा धनिया, दो तीन हरी मिर्च, जीरा एक टेबल स्पून और नमक, और गार्निश के लिए अनार लेंगे। मिर्ची, नमक, जीरा, लहसुन और हरा धनिया डाल के पीस लें। सारी चीजें हमने पीस ली हैं। पहले खुशके को जरा सा ऐसे कर लेंगे। फिर जो पीसा हुआ है हमने जीरा, हरी मिर्ची, हरा धनिया, लहसुन, नमक इसमें डालेंगे। फिर इसको अच्छे से मिला लेंगे चम्मच से या हाथ से हमें। सब मिक्स कर लिया है हमने। बड़ा बर्तन लेंगे, फिर इसमें दही डालेंगे जो हमने फेंट के रखा है बीट करके। जितना दही होगा उतना अच्छा लगेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स कर लिया हमने दही। फिर इसमें थोड़े से अनार के दाने डालेंगे। माशाल्लाह इतनी अच्छी बन गई है हमारा। ये लीजिए, सर्व करेंगे। सर्व करते वक्त ही दो चार अनार के दाने डालेंगे। हाँ, हमारी बुत्ती और चोंगे तैयार हैं। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगे।